नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पांच ऐसी कड़वी चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों को अगर आप लोग अपनी डेली डाइट में यूज़ करते हैं, लेते हैं, तो आप लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों आजकल हर डॉक्टर हम लोगों को यही बोलता है कि हम लोगों को अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो हमारे इम्यूनिटी वीक होने पर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों को लें जिससे आप लोगों के शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिल सके। साथ ही साथ अगर आप किसी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं तो उसका खतरा भी कम हो जाए। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपनी डेली डाइट में कुछ ऐसी कड़वी चीज़ें शामिल करनी होंगी किसी भी बीमारी के खतरे से बच सकते हैं। दोस्तों ये कड़वी चीज़ें भले ही खाने में अच्छी ना लगे, मगर ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो कड़वी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपनी डेली डाइट में शामिल करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कड़वी चीज़ें खाने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। कड़वी चीज़ें स्लाइवा और पेट के एसिड को बढ़ाती है, इससे इम्यूनिटी और हमारा जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है। इसके साथ ही शरीर भोजन से अधिक मात्रा में पोषक तत्व लेने का काम करता है। ऐसे में हेल्दी रहने के लिए डेली डाइट में कड़वी चीज़ों को शामिल करना एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। तो चलो अब बात करते हैं कि कौन सी आप लोगों ने कड़वी चीज़ें लेनी हैं जो आपकी सेहत के लिए लाभदायक हो। तो सबसे पहला आप लोगों ने लेना है करेला। दोस्तों करेला स्वाद में भले ही कड़वा हो, मगर ये शरीर के लिए औषधि की तरह माना जाता है। इसमें सभी जरूरी तत्व, फ्लेवोनाइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल आदि गुण होते हैं। इसके सेवन से तेजी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये डायबिटीज़ कंट्रोल करने में कारगर होता है। ऐसे में दोस्तों खास तौर पर जिन भी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हैं, उन लोगों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए। ये शरीर में कैंसर के सेल्स पनपने से रोकता है। इसके अलावा करेले का जूस पीने से हमारे चेहरे पे ग्लो भी आता है। तो आप लोगों ने करेला रोज़ाना अपने डाइट में शामिल करना है। आप लोग चाहें तो करेले की सब्जी बनाकर ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग करेले का जूस पी सकते हैं। वहीं दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है वो है हरी पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी तेज होती है। ऐसे में हमारे शरीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को तेज करता है, पेट संबंधित जो भी बीमारियां हमें होते हैं उससे हमें बचाता है। आप लोगों ने रोज़ाना हरी सब्जियाँ लेनी है। हरी सब्जियाँ खाने से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की चपेट से हम लोग बच जाते हैं। आप लोग चाहें तो हरी सब्जियों का जूस, सूप या फिर सलाद या फिर सब्जी के तौर किसी भी तरीके से आप लोग इसका सेवन कर सकते हैं। वहीं तीसरी चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी व पाचन तंत्र तेज होता है, मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है, साथ ही साथ वजन भी कंट्रोल होता है। आप लोगों ने अपने डेली डाइट में चाय और कॉफ़ी की जगह पर ग्रीन टी लेना है। रोज़ाना 2 कप आप लोग अगर ग्रीन टी पीते हैं तो इससे आपके शरीर को बहुत सारे फायदे होते हैं। वहीं चौथी चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है वो है डार्क चॉकलेट। चॉकलेट तो दोस्तों हर किसी को खाना पसंद होता है, मगर चॉकलेट कड़वी होने के कारण अक्सर लोग इसे कम खाते हैं। मगर दोस्तों कड़वी होने के बावजूद ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। इसमें कोकोआ पाउडर मिलाया जाता है जो कोकोआ प्लांट के बीन से बनाया जाता है। डार्क चॉकलेट में पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने से इसका टेस्ट कड़वा होता है। इसमें मौजूद इन तत्वों के कारण ब्लड वेसल्स चौड़े होते हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से इन्फ्लेमेशन की समस्या से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन आदि तत्व होते हैं। इसके सेवन से हमारा मूड सही रहता है। ऐसे में आप लोगों ने चॉकलेट का सेवन यानी कि डार्क चॉकलेट का सेवन जरूर करना है। ये आपके शारीरिक और मानसिक होने में भी आपको मदद दिलाती है। वहीं पाँचवीं चीज़ जो आप लोगों ने लेनी है दोस्तों वो है साइटल पील। विटामिन सी से भरपूर नींबू, संतरे आदि के फलों का सेवन तो हर किसी ने किया होगा, मगर इन फलों के छिलकों का सेवन करना बेहद फायदेमंद माना जाता है। ये स्वाद में भले ही कड़वे हो, मगर ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। आप लोगों ने इन छिलकों की चाय बनाकर पीना है। इन फलों के छिलकों में फ्लेवोनाइड्स होता है जो
कुछ ही फलों के अंदर पाया जाता है। ये बूस्ट होती है, ऐसे में बीमारियों से बचाव होता है। इसके साथ ही इससे शरीर पर जमा एक्स्ट्रा चर्बी भी कम होकर हमारा वजन कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों ये थे वो पांच ऐसी कड़वी चीज़ें जिन्हें आप लोगों ने अपने डेली डाइट में ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप लोग इन पांच कड़वी चीज़ों को लेंगी तो आप लोग अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप लोग काफ़ी सारी बीमारियों के खतरे से भी बचे रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई आज की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।